मैं अपनी वीडियोस के अंदर एक बात बार बार बोलता हूँ कि हमें जिंदगी की इक्वेशन समझनी चाहिए। अगर हम जिंदगी की इक्वेशन को नहीं समझेंगे ना, तो हमें भी यही लगता रहेगा कि यार हम सिर्फ जॉब करने के लिए पैदा हुए हैं और हम अपने छोटे माइंड के साथ इस दुनिया में जो आए थे इसी माइंड के साथ इस दुनिया से चले जाएंगे। अपने माइंड को बड़ा करने के लिए, कुछ बड़ा अचीव करने के लिए, अपनी मेंटेलिटी, अपने होराइजन को ब्रॉड करने के लिए इस दुनिया की इक्वेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। और इस दुनिया की इक्वेशन, जैसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि बहुत सारी बातें ऐसी हैं, जब हम उन पर गौर व फिक्र करते हैं, लोगों को सुनते हैं, अपने से ज़्यादा वाइज लोगों को सुनते हैं, तो हमें समझ में आता है कि इस दुनिया की क्या इक्वेशन है। उसी में से एक चीज़ आज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, विच इज़ कि जो आपके डार्केस्ट टाइम्स होते हैं, जिसमें आप बहुत लो होते हैं, आप एक चैलेंजिंग टाइम से गुजर रहे होते हैं, चीज़ें क्लिक नहीं हो रही होती हैं, दुनिया बात नहीं सुन रही होती है, सपोर्टिव सर्कल आपका कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा होता, आप अकेले एक जर्नी पर चलते चले जा रहे होते हैं, जिसको हम कहते हैं डार्केस्ट टाइम्स, बिलीव मी, डार्केस्ट टाइम से गुजरे बगैर कोई बंदा बड़ा बंदा बन ही नहीं सकता। यह बात मैं आज इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि यार बस हमने बड़ी लॉजिकली हमने एक बिजनेस प्लान बनाया, हमने बड़े लॉजिकल डिसीजंस लिए, हमने उसको एग्जीक्यूट किया, अब तो उसको क्लिक हो जाना चाहिए। चीजें तजर्बे से आती हैं, तजर्बा गलतियों से आता है, और जब आप गलतियां करते हैं तो आप एक डार्क मोड के अंदर चले जाते हैं, जहां पे आपको तकलीफें उठानी पड़ती हैं, मुसीबतें आती हैं, बहुत ज्यादा समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए। जब आपके बाकी इतराफ के लोग अपनी चीजों में प्रॉपरली चलते चले जा रहे होते, तो आप अपने आप से क्वेश्चन करते हैं, व्हाट द हेल एम आई डूइंग, मैंने ये डिसीजन क्यों लिया, या मैं ये क्या कर रहा हूं। बट बिलीव मी, ये जो आपके डार्केस्ट टाइम्स हैं, ये पहली बात इनएविटेबल है, ये आपकी ज़िंदगी में आएंगे ही आएंगे, ये हर उस बंदे की ज़िंदगी में आएंगे जिसने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आगे जाना है, बहुत ज़्यादा रिच और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनना है, उसकी ज़िंदगी में ये टाइम आएगा ही आएगा। और ये टाइम क्यों आता है, ये डार्क टाइम्स क्यों आते हैं, आपका सब्र बढ़ाने के लिए। ये डार्क टाइम्स क्यों आते हैं, आपको पेशेंस सिखाने के लिए, आपकी जो आपके आपको मेंटली स्ट्रांग करने के लिए, आपको कंसिस्टेंट बनाने के लिए, आपको परसिस्टेंट बनाने के लिए, आपको ये बात बताने के लिए कि नो मैटर हाउ लॉजिकल यू कैन बी, कभी कभार चीज़ें क्लिक नहीं होंगी, आप जितना भी जान मार लें कभी कभार चीज़ें क्लिक नहीं होंगी, ये आपको बाद में पता चलेगा कि वो क्लिक क्यों नहीं हो रही थी। तो हर डार्क मोमेंट जो आपकी लाइफ में आता है, अगर आप सही डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं, तो हर ऐसा टाइम जो आपको बहुत बुरा फील हो रहा होता है, मुसीबतों वाला टाइम, वो आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा या आपका कोई पर्सनैलिटी ट्रेट इम्प्रूव करके जाएगा। So understand this dark time, embrace those darkest moments that you have in your life. और अगर आप उससे गुजर रहे हैं, be persistent, be consistent, ये बुरा वक्त चला जाएगा, लेकिन ये आपको बहुत ज़्यादा सिखा के जाएगा। And understand that दुनिया में जितने भी billionaires हैं, आप उनकी biographies पढ़ लें, ये चीज़ उनके सब के अंदर common है कि वो बहुत ज़्यादा achieve करने से पहले बहुत नीचे गए थे। But as we always say that if you really want to measure the success of a person, don't see where he is now, see how high he bounces after touching the bottom. That's all from today's video. Thank you so much for watching. If you like this video, please do subscribe to my channel and keep watching my videos. Thank you so much.